नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के यूट्यूब चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है, ये हमारे कल के वीडियो का ही आगे का क्रम है। मैंने कहा था कि अब मैं लगातार YouTube पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल हमने विद्युत धारा के मात्रक के बारे में, एक एम्पेयर की डेफिनेशन के बारे में और विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, वह हमें उस कारक के बारे में बताएगा जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है। यदि इसके बारे में हमें पता नहीं है, यदि यह कारक उपस्थित ना हो, तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो समझ तो गए होंगे आप लोग कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने आईटीआई कर रखी है और आईटीआई करने के बाद ज्यादा समझदारी आ जाती है, समझदार हो जाते हो आप लोग। तो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे उस विशेष बल के बारे में जिसे आप लोग विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हो। लेकिन 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 विद्युत वाहक बल केवल अकेला कारक नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से कारक हैं जो इससे ही जुड़े हुए हैं। उन्हें भी हमें कुछ उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आगे के टॉपिकों के अंदर हम उन कारकों का भी अध्ययन करेंगे और इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो वो कौन से वो कारक हैं, वो आपको इसी वीडियो के अंदर आगे पता चल जाएगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ विद्यमान हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। सभी पदार्थों की एक परमाणु संरचना होती है, ये हमने पहले के टॉपिक में आपको बताया। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि समावेशित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय, चतुर्थ, अंतिम कक्षा तक विद्यमान रहते हैं। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन पदार्थ की संरचना में पहले से मौजूद हैं, व्यवस्थित हैं और स्थिर हैं, वो चल नहीं रहे हैं, हाँ वो अपने कक्षा में रहते हुए जरूर गतिमान है लेकिन अपनी कक्षा से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अब कोई चीज यदि स्थिर है, तो उसको प्रवाहित करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें विशेष बल लगाना पड़ेगा। सभी पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उन इलेक्ट्रॉनों को धकेलना पड़ेगा, उन्हें आगे चलाने के लिए हम एक बल लगाएंगे। अब वो बल किस नाम से जाना जाता है, ये सभी आप जानते हो कि उस बल को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। हमें पता है कि सभी प्रकार के पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अवस्थित होते हैं। अब उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए उन पर एक बल लगाना पड़ेगा। बिना बल के कोई भी वस्तु हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी वस्तु जो आपको नजर आ रही है, वो गतिमान नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भाई साहब थे जिनका नाम था न्यूटन, वो हमें कह के गए थे और कुछ नियम दिए थे उन्होंने, और उन्हीं नियमों के आधार पर हमें आज के वक्त में ये पता लग रहा है कि जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे, वो गतिमान नहीं हो पाएगी। उन न्यूटन भाई साहब के नियमों की चर्चा हम आगे के टॉपिकों में करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल उसका वक्त नहीं है। तो मुद्दे पर आते हैं, अब कौन सा बल लगाया जाए ये पता होना चाहिए, क्योंकि बल के तो कई रूप हैं, उनके कई स्वरूप हैं और बलों को कई प्रकार से व्याख्यित किया गया, व्याख्यान किया गया है। यदि हम किसी तार पर, मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, यदि हम किसी तार पर डंडे से जोर से प्रहार करें, जोर से डंडा मारें, तो तार पर क्या आरोपित होगा, एक बल आरोपित होगा। और जैसे ही बल आरोपित होगा, तो तार धातु के अंदर मौजूद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गतिमान हो जाएंगे और उसकी वजह से तार में क्या चलने लगेगी, धारा चलने लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे डंडा मारने से, है ना। नहीं, ये सही नहीं है। बल तो जरूर था, मैंने बल की व्याख्या के बारे में, मैं बल के प्रकार एक तरह से समझा रहा हूं आपको। उस डंडे से बल तो जरूर लगा, लेकिन वो बल इलेक्ट्रॉनों पर नहीं लगा, वो तार की भौतिक स्थिति पर लगा, जिससे तार तो हिलने डुलने लगेगी, अपने स्थान को छोड़ देगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन चल नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना, क्योंकि डंडे में बल तो लगा होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए बल नहीं है। सभी को पता है इस बल से इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे। यदि यही बल, सेम डंडे वाला बल, सड़क के बीच में बैठे हुए किसी कुत्ते पर लगा दे, खींच के मारे उसके डंडा, वैसे मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, किसी जानवर को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं कि एक सड़क के बीच में कुत्ता बैठा है, बड़ा हठी कुत्ता है, नहीं हट रहा है, आप डंडा लेके आए, उसके खींच के मारा, उसी डंडे से वो कुत्ता चलने लगेगा। अब देख लीजिए किस प्रकार से, अब देखिए कुत्ते बैठे हैं सड़क के ऊपर, अब नहीं मान रहा तो आदमी डंडा लेके आएगा, अब कुत्ता चलने लगेगा, अब किस ओर चलेगा, हो सकता है दौड़ने भी लगे, अब किस ओर चलेगा, किस ओर दौड़ेगा, यह निर्भर करता है बल लगाने वाले पर। आपकी ओर भी चल सकता है जिसने बल लगाया, काट सकता है, और फिर काटेगा तो आप पर एक क्या लगा देगा, बल लगा देगा, जिससे आपके शरीर के अंदर से कुछ बाहर चलने लगेगा।
जाहिर सी बात है समझदार हो, आईटीआई वाले बहुत ज्ञान एकत्रित कर रखा है आपने। तो कहने का मतलब है कि बल बहुत प्रकार के होते हैं। अब ये बल किस प्रकार से कार्य करेंगे, किस वस्तु पर किस तरीके से कार्य करेंगे, तो ये निर्भर करता है बल की प्रवृत्ति पर। तो ये जो बल जो आपने डंडे के माध्यम से कुत्ते पे लगाया, उसे चलो एक नाम दे देते हैं, उसको नाम अपने देते हैं कुत्ता उठावन बल। कुत्ता पड़ा था, उठा दिया, वो बल हमने नाम दे दिया। चलो इसी प्रकार एक और बल का उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने घर में हो, घर में आपके 2-3-4 कमरे होंगे, आप किसी रूम में अपने में बैठे होंगे, मम्मी पापा बड़े बुजुर्ग सब घर में मौजूद हैं, और आपके पापा या मम्मी ने आपको अपने नाम से पुकारा और आपके कानों में वो आवाज पहुंची। आप किसी स्थान पर बैठे थे, जैसे ही वो आवाज पहुंची तो आवाज के माध्यम से आपके अंदर से बल निकला और आप जाकर उनके सामने प्रस्तुत हो गए। अब इस बल से आप उठे, कोई व्यक्ति उठा, तो इस बल को हम नाम दे देते हैं व्यक्ति उठावन बल। ठीक है ना, उसका नाम हमने दे दिया था कुत्ता भगावन बल, तो इसका नाम हमने दे दिया व्यक्ति उठावन बल। अब इस प्रकार से वो बल कार्य कर सकता है। ये रे चिल्ला रहे हैं आप पर, बड़े हो जाओगे तो कह देंगे चल मेरे घर से बाहर निकल जा, तो चलना पड़ेगा। उन्होंने क्या आपके डंडा मारा? नहीं मारा। हाँ आप मत मार देना भाई, ध्यान रखना, क्योंकि आईटी की हुई है नौकरी लग जाओगे, और आईटी करने के बाद यूं चौड़े होकर चलते हैं, मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई की है, तो कोई महान काम नहीं किया है, ध्यान रखना। मेहनत अब होगी, आईटीआई तो बहुत जनों ने कर रखी है, ध्यान रखना, लेकिन मेहनत करने वाले ही कामयाब होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये थे कुछ उदाहरण जो है बल के। अब यदि डंडे से यदि इलेक्ट्रॉन चलते, बुलाने पर इलेक्ट्रॉन चलते, तो आपकी बिजली बोर्ड की भर्तियों के अंदर फिर आईटीआई की तो आवश्यकता ही नहीं होती, फिर तो उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है लट चलाने में माहिर हो, खींच खींच के तारों पर डंडे मारो और तारों के अंदर से इलेक्ट्रॉन चला दो, जोर जोर से चलाओ, चल इलेक्ट्रॉन, जितनी जोर से चलाओगे उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती। लेकिन हमें हमारी ट्रेड में इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए इस प्रकार के बलों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारी ट्रेड में किस बल की आवश्यकता है और उसका नाम क्या है? तो नाम आप सभी को पता है, उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब नोट्स बनाने का समय है, आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसके अंदर हेडिंग लगा लीजिए विद्युत वाहक बल, जिसे हम EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और शॉर्ट में यदि लिखा जाए तो EMF कहते हैं, ध्यान रखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यदि इसको देखा जाए इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव मोटिव यानी प्रेरित करना, और प्रेरित करने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये विद्युत वाहक बल हमारे इलेक्ट्रॉनों पर लागू होगा, हेडिंग लगा ली होगी शायद आपने। अब लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि किसी पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, किसी पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है। इस विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक लिया जाता है वो लिया जाता है ई। ये बड़ा ई भी कई जगह आपकी बुक्स में इस्तेमाल होगा, कई जगह छोटा ई भी होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप बड़ा ई ही लिखोगे। तो विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या है भी? तो विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक है वो ई है। और यदि बात की जाए इसके मात्रक की, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है उसे बोलते हैं वोल्ट। सभी को पता है, लेकिन बेसिक टॉपिक जिनको जीरो नॉलेज उनके लिए बैच वोल्ट, और वोल्ट का जो प्रतीक होगा, वोल्ट को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, तो वो वी से। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा याद रखना। अब ये था विद्युत वाहक बल, एक बल जो लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर। थोड़ा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, एक चालक है, और हर चालक है वो किसी ना किसी धातु का बना होगा, और हर धातु में मौजूद होते हैं कौन भी? इलेक्ट्रॉन। कौन मौजूद है? ये सब के सब जो इंडिकेशन है ये किसके हैं? ये इलेक्ट्रॉन के हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, सभी को पता है, यदि आपको नहीं पता तो पिछले की वीडियो आप जाके देख सकते हो। अब इन इलेक्ट्रॉनों को, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, चल नहीं रहे, इनको चलाना है, क्योंकि इनका चलना ही विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। तो इनको चलाने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। जैसे कुत्ते को भगाने के लिए फोर्स लठ मारना पड़ा हमें, उसी
प्रकार इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए विशेष बल लगाना पड़ेगा, उस फोर्स को हमने किस नाम से जाना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई बात समझ में सभी को? अब कई कहेंगे जी बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। बिल्कुल सही बात है, बल का जो अंतर्राष्ट्रीय है मात्रक है वो न्यूटन है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ट्रेड की जब बात की जाए, आपको आगे मैं ऐसा सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के बारे में मात्रक व प्रतीकों के बारे में बताऊंगा, तो उसके अंदर अधिक चर्चा करेंगे अपने। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर इस विद्युत वाहक बल को, क्योंकि बल के बहुत रूप है, मैंने थोड़ी देर बताया, हर प्रकार के बल को एक मात्रक से नापा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ सभी को यदि एक ही नाम से पुकारना हो, एक ही मात्रक देना हो, तो हम न्यूटन कह सकते हैं। उस लठ मारने वाले बल को भी हम न्यूटन से व्यक्त कर सकते हैं, वो आवाज लगाने वाले बल को भी हम न्यूटन कह सकते हैं, लेकिन उनके अलग अलग मात्रक भी प्रदान किए गए हैं। सेम इलेक्ट्रिकल ट्रेड में जिस बल का प्रयोग करते हैं उसे EMF कहते हैं, और इसे नापा जाता है किसमें भी, वोल्ट में। अब ये जो EMF है ये आता कहां से है, सबसे बड़ी बात तो है EMF तो चलो ठीक है, बल तो है, आता कहां से है, तो इस बल को जनरेट कैसे करें, कहां से ये बल मिलेगा, वो कौन सी युक्तियां हैं, वो कौन से माध्यम है, वो कौन से तरीके हैं जिससे हम इस बल का निर्माण कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये बल जो है वो आता है एक ऊर्जा स्रोत से, ये बल हमें प्राप्त होता है एक ऊर्जा स्रोत से, एनर्जी सोर्स से ये बल प्राप्त होता है, और आधुनिक समय के अंदर हमने ऐसे अनेकों ऊर्जा स्रोतों का निर्माण कर लिया है जिससे हम EMF उत्पन्न कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्रोतों का देखो आपको पता है इन चीजों के बारे में, लेकिन मेरा काम मैंने पहले ही बताया कि आपको बेसिक से शुरू करना है और वहां लेके जाना है जहां आप पूरी तरह से लबालब हो जाओ ज्ञान से, ठीक है ना। जैसे कहते हैं पाप का घड़ा जो है वो भर जाएगा, वैसे आपका ज्ञान का घड़ा क्या है, भर जाए, लेकिन ध्यान रखना घड़े 4-5-10 एक ले आना, एक भर जाए, तो ऐसे नहीं है कि बाहर ज्ञान डुल जाना चाहिए, ज्ञान दूसरे में ट्रांसफर करो, ऐसे कर करके बराबर अपने चलते रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि वो स्रोत कौन से हैं। तो ऊर्जा स्रोतों की यदि बात की जाए तो बहुत ही सरल रूप में आपकी जेब में मोबाइल पड़ा होगा, आप जिस मोबाइल में देख रहे हो उसके अंदर एक बैटरी लगी है, बैटरी बनती है सेलों से, तो ऊर्जा स्रोत के रूप में सबसे पहला जो नाम अपने ले सकते हैं वो हो सकता है आपका रासायनिक सेल, या हो सकता है इन्हीं सेलों से बनी हुई बैटरी, सभी को पता है सेल बैटरी क्या होती है, या आप प्रयुक्त कर सकते हो एक अल्टरनेटर, आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, या आप प्रयुक्त कर सकते हो एक जनरेटर, डीसी जनरेटर जिसे आप कहते हो, या आप प्रयुक्त कर सकते हो एक सौर सेल, सोलर प्लेट या सौर ऊर्जा से चलने वाली जो प्लेटें हैं वो आपने सभी ने देखी होंगी। तो ये सारे के सारे माध्यम हैं भी, ये अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, सभी अलग अलग सिद्धांत पर कार्य करने वाले हैं। जैसे सेल और बैटरी की बात की जाए तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर काम करते हैं, अल्टरनेटर और जनरेटर की बात की जाए तो चुंबकीय पर काम करते हैं, सौर सेल की बात की जाए तो ये प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है, लाइट चाहिए इसको, इसकी चर्चा भी आगे के अध्याय इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे अपने। तो ये सारे के सारे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका प्रयोग मुख्य रूप से विद्युत वाहक बल के निर्माण में किया जाता है। तो याद रख लोगे आप सभी लोग कि क्या है विद्युत वाहक बल, एक बल है जो इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, प्रतीक E, मात्रक वोल्ट, वोल्ट का प्रतीक V हो जाएगा। कहां से मिलता है, तो इन स्रोतों से हमें EMF प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा और आगे चलते हैं अभी। तो हमने अब तक पढ़ लिया है कि क्या होता है विद्युत वाहक बल, अब जिस प्रकार हमने इससे पहले पढ़ा था कि एम्पेयर जो मात्रक है धारा का और वोल्ट जो मात्रक है विद्युत वाहक बल का, जिस प्रकार हमने एक एम्पेयर की परिभाषा ली थी सेम उसी तरह परिभाषा आती है आपकी एक वोल्ट की। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आप लिखोगे एक वोल्ट की डेफिनेशन या एक वोल्ट विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो नोट्स तैयार कीजिए, लिखिए एक वोल्ट की परिभाषा कि विद्युत वाहक बल का वह मान, विद्युत वाहक बल का वह मान जो किसी एक ओम प्रतिरोध के चालक में से, जो किसी एक ओम प्रतिरोध के चालक में से एक एम्पेयर की धारा प्रवाहित करवा दे, कितने एम्पेयर की, एक एम्पेयर की धारा प्रवाहित करवा दे, एक वोल्ट विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इसमें तीन आंकड़े हमने यूज किए हैं, एक है ओम यानी कि रेजिस्टेंस की जो मात्रक है वो, एक है एम्पेयर जो धारा का मात्रक है, और एक यूज किया हमने वोल्ट जो विद्युत वाहक बल का मात्रक है। इसको समझ कैसे सकते हैं, तो बहुत ही आसान शब्दों में इसको लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि आपको एक चालक लेना है, एक कंडक्टर होना चाहिए आपके पास,
कोई भी कंडक्टर हो सकता है, तांबे का, एल्यूमिनियम का, कुछ भी हो, ये कंडक्टर है। और इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको वैसे पता है, लेकिन मैं आगे और बताऊंगा इसके बारे में। इसका रेजिस्टेंस जो है वो निर्धारित किया गया कितने ओम भी, 1 ओम। तो इस चालक पर, ये जो चालक है, इस चालक पर हमने एक सोर्स लगाना है, एक एनर्जी सोर्स लगाना है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक छोटा सा सेल लगा देते हैं, एक सेल लगा दिया हमने, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ये सेल जो है वो वोल्टेज आरोपित करेगा, जो ईएमएफ देगा, ईएमएफ आरोपित करेगा, उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी निकालनी है हमें, कितनी माननी है, 1 वोल्ट। और वो 1 वोल्ट ईएमएफ कब होगा, जब किसी 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से, जब किसी 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से कितने एम्पेयर की, 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो जाए, जब किसी 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से कितने एम्पेयर की, 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो जाए, तो लगाए गए विद्युत वाहक बल का मान कितने वोल्ट के बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। ऐसा हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट ईएमएफ की डेफिनेशन में। लेकिन इसके अलावा भी एक और परिभाषा इसकी बनती है, तो वो क्या बनेगी, तो उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। और 1 वोल्ट की एक अन्य परिभाषा भी आप अपने नोट्स में लिख लो। दूसरी परिभाषा जो है वो ये है कि विद्युत वाहक बल का वह मान, विद्युत वाहक बल का वह मान जो किसी चालक के 2 सिरों के बीच आरोपित करने पर, विद्युत वाहक बल का वह मान जो किसी चालक के 2 सिरों के बीच आरोपित करने पर 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करवाकर 1 वाट की शक्ति उत्पन्न कर दे, विद्युत वाहक बल का वह मान जो किसी चालक के 2 सिरों के बीच में 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करवाकर 1 वाट की शक्ति उत्पन्न कर दे, तो उस विद्युत वाहक बल के मान को हम कितने वोल्ट के बराबर मानेंगे, 1 वोल्ट के। तो सेम इसी डायग्राम के अंदर हम उस 1 वोल्ट की दूसरी डेफिनेशन को भी देख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का वह मान, विद्युत वाहक बल का वह मान जो किसी चालक में से कितने एम्पेयर, 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करवाकर इस चालक द्वारा कितने शक्ति को प्रदर्शित करे, 1 वाट की शक्ति को यदि प्रदर्शित कर दे या 1 वाट की शक्ति उत्पन्न करा दे, तो उस विद्युत वाहक बल को हम कितने वोल्ट से मापेंगे, 1 वोल्ट से। तो ये 2 डेफिनेशन आपकी मौजूद है विद्युत वाहक बल के 1 वोल्ट वैल्यू की, ध्यान रखना। परिभाषाएं बढ़ने को 1 वोल्ट की आगे और भी बनेगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो ईएमएफ की डेफिनेशन है वो ये आप याद रख सकते हो। एक परिभाषा नहीं है, अनेकों परिभाषाएं हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे और आती रहेगी। तो यहां तक था आपका टॉपिक विद्युत वाहक बल। तो मैंने कहा था कि यदि आपको विद्युत को समझना है तो केवल विद्युत वाहक बल से हमारी बात नहीं बनेगी, मैं इसके बाद आगे भी और कुछ पता होना चाहिए। तो विद्युत को और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कुछ शब्दों को समझना और भी आवश्यक है भी। इनमें से जो पहला शब्द है आपका वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है विद्युत विभव। उसको बोलते हैं विद्युत विभव। तो क्या होता है विद्युत विभव, देखिए भी। अब हम समझेंगे विद्युत विभव को। तो विद्युत विभव ये इंग्लिश में लिखा जाता है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या है, अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को डाउट मिलता है भी ये क्या चीज है विभव, क्योंकि आगे भी आपके एक नया नाम आएगा उसको बोलेंगे विभांतर। विद्युत वाहक बल, विभांतर, विभव, नाम सारे देखने में एक जैसे से हैं, लेकिन ये चीजें सभी जुड़ी हुई तो एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड से ही है, लेकिन ये सब अलग अलग हैं, इनकी डेफिनेशन अलग अलग हैं, इनका उपयोग अलग अलग आधार पर होता है। मौजूद ये तीनों के तीनों एक ही परिपथ में, एक सर्किट के अंदर ये तीनों ही मौजूद होंगे, लेकिन उनको डिफाइन अलग अलग से किया गया है। जिस प्रकार से घर के अंदर मेंबर तो खूब सारे मौजूद होते हैं, ठीक है ना, अगर आदमी है तो 4 आदमी हैं, उन चारों के अलग अलग नाम होंगे, रहे वो एक ही कमरे में रहे हैं। सेम उसी प्रकार एक परिपथ के अंदर विद्युत वाहक बल भी होगा, उसी परिपथ के अंदर विभव भी होगा, उसी परिपथ के अंदर विभांतर भी होगा। इन तीनों को अलग अलग करना है, कमरे में राम भी होगा, श्याम भी होगा, मोहन भी होगा, बस तीनों को अलग। राम सरकारी नौकरी लगा हुआ है, श्याम ने ITI कर रखी है, और मोहन है वो बेला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, और उसी के आधार पे हम इन चीजों को आगे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, सॉरी। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका, इसका नाम है विभव। तो अपने नोट्स बनाइए और लिखिए टॉपिक आपका विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युत विभव। तो क्या डेफिनेशन है पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो लिखिए इकाई आवेश को, इकाई आवेश को अनंत से, इकाई आवेश को अनंत से किसी वैद्युतिक क्षेत्र के, ध्यान से लिखिएगा, इकाई आवेश को अनंत से किसी वैद्युतिक क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इकाई आवेश को अनंत से किसी वैद्युतिक क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका प्रतीक V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभव का प्रतीक क्या है V, व इसका जो मात्रक है वो जूल प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसका मात्रक आप लिख सकते हो वोल्ट। देखो विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट था, विभव का मात्रक भी वोल्ट है, आगे विभांतर आएगा उसका मात्रक भी वोल्ट है। आलू भी किलोग्राम में आता है, गोभी भी किलोग्राम में आती है, टमाटर भी किलोग्राम में आते हैं, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग है। तो चीजें नाम एक जैसे लग रहे हैं आपको, लेकिन वास्तविकता ये है कि सब एक दूसरे से अलग अलग है। अब ये क्या है वैद्युतिक विभव, तो लिख तो आपने लिया, अब इसको समझना बाकी है। तो देखते हैं क्या है वैद्युतिक विभव, तो इसको समझेंगे भी अब। तो हमने लिखा इकाई धनावेश, इकाई आवेश, सॉरी, तो आवेश चार्ज इसके बारे में बता चुका हूं कि जो आवेश है वो वैद्युतिक स्तर होता है किसी भी पदार्थ का, जिससे पता लगेगा कि वो धारा चालन के वस्तु योग्य है या नहीं है। तो आवेश आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब ये दोनों आवेश है, इनका मात्रक होता है आप सभी को पता है क्या भी, कुलाम। चाहे धनावेश को नापेंगे तो भी कुलाम में नापेंगे, ऋणावेश को नापेंगे तो भी अपने कुलाम में नापेंगे। अब कितना आवेश है, डेफिनेशन में हमने लिखा इकाई, तो एक कुलाम का पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या एक कुलाम का नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, होना चाहिए एक। तो डेफिनेशन ठीक है, इकाई आवेश को, डेफिनेशन आप यह भी कर सकते हो इकाई धनावेश को, या यह भी कर सकते हो इकाई ऋणावेश को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक यानी कि एक कुलाम का आवेश है, उसको लेके आना है, वो कहां पड़ा है, ठीक है ना, वो पड़ा है जी यहां, और यहां को मान लेते हैं अनंत, यहां पड़ा है स्थान को हमने क्या माना अनंत। ये एक अनंत बिंदु है जहां पर कोई एक कुलाम का क्या पड़ा है अभी आवेश पड़ा है, ये धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी। इसको लेके आना है एक वैद्युतिक क्षेत्र में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक ऐसे स्थान में जहां विद्युत मौजूद है, तो उस अनंत में पड़े हुए इकाई आवेश को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है। ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें लेके कहां आना है, किसी बिंदु, इसके अंदर कहीं भी बिंदु। तो देखिए बहुत सारे बिंदु इसके अंदर हो सकते हैं, कोई भी इनमें से एक बिंदु का, इस क्षेत्र के वैद्युतिक क्षेत्र के किसी भी एक बिंदु का चुनाव कर लो। हम डेफिनेशन के हिसाब से डायग्राम बना के समझने का प्रयास करेंगे। तो दोबारा देखते हैं इकाई आवेश को, कितने आवेश को, इकाई आवेश को, कहां से, अनंत से, पता नहीं है कहां पड़ा है अभी हमें। एक तार है 10 किलोमीटर लंबी, 50 किलोमीटर लंबी है, उसके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को उठा के उस तार के माध्यम से हमें कहीं और लेके जाना है, तो वो कितनी लंबी तार थी कोई मैटर नहीं करता। तो इकाई आवेश जो पड़ा है कहां, अनंत पर, उसे उठाकर, अब उठाएंगे जाहिर सी बात है, तो इसको उठा के या चला के जब लेके जाएंगे तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा भी, एक फोर्स, तो जाहिर सी बात है धक्का लगाएंगे। तो इकाई आवेश को उठाकर एक वैद्युतिक क्षेत्र में लेके आना है किसी बिंदु पर, मान लेते हैं इस बिंदु पर लेके आए, और ये जो एरिया है इसको नाम दे दिया हमने वैद्युतिक क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए दोबारा, इकाई आवेश को अनंत से उठाकर किसी वैद्युतिक क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य,
उस आवेश को उठाकर अनंत से लेके आए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए और एक पॉइंट तक लेके आए। जरूरी नहीं है कि पॉइंट ये हो, आप यहां भी ला सकते हो, आप यहां भी ला सकते हो, आप यहां भी, लेकिन कोई एक पॉइंट चूज करना है, 70 जगह नहीं पहुंचाना उसको, क्योंकि हमने परिभाषाएं तैयार कर ली, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अनंत से इकाई आवेश को उठाया, वैद्युतिक क्षेत्र के एक बिंदु तक लेके आए, वहां से उठाकर यहां तक लाने में हमारा संपादित हुआ कुछ कार्य है। आगे एक टॉपिक आएगा कार्य शक्ति ऊर्जा, इसमें कार्य अच्छी तरह समझेंगे, फिलहाल के लिए इससे जोड़ के देखिए। तो इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक उठाकर वैद्युतिक क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य का प्रतीक होता है W, यानी कि वर्क डन कहते हैं। इस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो जो कार्य संपादित हुआ इसको कार्य न कह के हम क्या कह सकते हैं, एक और नाम से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में जान सकते हैं, नाम दे देंगे विभव, यानी कि पोटेंशियल। समझ में आई बात? दोबारा देख लीजिए, अनंत से इकाई आवेश को उठाकर वैद्युतिक क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है? भी विभव कहलाता है। इसका प्रतीक लिखा जाता है क्या? वी। मात्रक क्या है इसका? अभी आपको बताया, जूल प्रति कूलाम। तो वी बराबर होता है वर्क डन बटा में चार्ज, यानी कि आवेश। तो लिख सकते हैं V बराबर W बटा में Q। अब W जो है वो है आपका कार्य, बटा में Q आपका क्या है? आवेश। कार्य का जो ऐसा ही मात्रक है, आगे पढ़ेंगे ध्यान रखना, कार्य का ऐसा ही मात्रक है आपका जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या तैयार होता है? भी जूल प्रति कूलाम। आगे की चीज है वो मैं थोड़ी सी अभी बता रहा हूं कि इसका मात्रक वोल्ट कैसे है। तो ध्यान से देखिएगा, जूल जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन बराबर होता है वी इंटू आई इंटू टी के, और जो आवेश होता है क्यू, उसका एक फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। अब जो आपका वी है अर्थात विभव यानी कि पोटेंशियल है, वो वर्क डन बटा में चार्ज है, आवेश है। तो वर्क डन का फॉर्मूला वी आई टी बटा में चार्ज का फॉर्मूला आई इंटू टी, आई टी से आई टी कट गया, इधर भी वी था और इस तरफ भी क्या बचा? वी। ये जो वी था ये वोल्टेज था, इसको हमने नापा था किसमें? वोल्ट में। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका विभव है, इस तरफ क्या है भी? विभव है। उसका जो मात्रक है वो क्या बन सकता है? वोल्ट भी बन सकता है और उसका मात्रक जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है। अब कई कहेंगे जी प्रश्न में यदि ये दोनों ही आ जाएं तो दोनों ही सही होंगे। जी बिल्कुल, बाकी सब कुछ पेपर बनाने वाले पर है भी, वो क्या सही करता है क्या नहीं, आप मेरा काम है आपको एकदम सही बताना। तो मैंने दोनों ही मात्रक आपको बता दिए हैं। देखिए अभी ट्रेड शुरू हुई है और कन्फ्यूजन अभी से शुरू हो गया। एक वैज्ञानिक था हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेड का, ध्यान रखना, नाम था निकोला टेस्ला। क्या नाम था? निकोला टेस्ला। और मेरी नजर में जितने भी वैज्ञानिकों का मैंने अब तक अध्ययन किया है, ठीक है ना, उसमें उस वैज्ञानिक को मैं सर्वाधिक बुद्धिमान मानता हूं भी। उस व्यक्ति ने एक बात कही थी, उसकी किताब में एक बात लिखी हुई थी कि ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड जिसका आपने चुनाव किया है, इसमें आपको रोज प्रश्न मिलेंगे। इतनी बात कही, बाकी समझदार लोग समझ गए थे कि उत्तर मिले या ना मिले, प्रश्न रोज मिलेंगे, उत्तर आपको ढूंढने हैं। कब मिलेगा उत्तर, इसका कोई अनुमान नहीं है। आगे भी चर्चा करते रहेंगे टेस्ला की। इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद भी हमारी आईटी इलेक्ट्रिकल थ्योरी में टेस्ला सिर्फ एक मात्रक है, पता नहीं किसका है, अभी मेरे को याद नहीं है। यह आपका वहम है, याद सब है, आपको याद होना चाहिए कि टेस्ला किस चीज की इकाई है। आगे जब चुंबक कराऊंगा तब और बता दूंगा उसके बारे में। तो यहां तक हमने जो टॉपिक अब क्लियर किया है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वैद्युतिक विभव। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, विभव ही चल रहा है। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो विभव के अंदर ही थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखिए भी, लिखिए कि विभव यानी कि पोटेंशियल दो प्रकार का होता है। विभव कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक धनात्मक विभव और नंबर दो ऋणात्मक विभव। तो विभव कितने प्रकार का है? भी दो प्रकार का, एक धनात्मक विभव और एक ऋणात्मक विभव। अब ये क्या है धनात्मक विभव और क्या है ऋणात्मक विभव, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, तो इसके बारे में भी हमें लिखना पड़ेगा। तो नंबर एक पॉइंट लगा लो आप, धनात्मक विभव, धनात्मक
विभव, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल। तो क्या चीज है पॉजिटिव पोटेंशियल? देखो अब छोटी सी बात है, वैसे तो इस टॉपिक को जितना उलझाना चाहूं मैं उलझा के आपको दे सकता हूं, आपकी आईटीआई की किताब के अनुसार भी मैं बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव विभव क्या होते हैं, और कुछ जो मेन थ्योरी है उसके आधार पर भी आपको बताऊंगा। देखिए आपकी आईटीआई की किताबों के अंदर एक सरल रूप में इन चीजों को समझाया हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही सरल, लेकिन उनकी व्याख्या नहीं की। अब सारे जितने भी विद्यार्थी, मान लेते हैं कि 100 विद्यार्थी हैं जो इन्होंने आईटीआई की है, जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, उनमें से जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा होगी कि ये ऐसे कैसे मेरे को समझ में नहीं आया, वो केवल 2 या 4 ही होंगे। बाकी 96 जो जने होंगे, 98 से 96 लोग होंगे जो लिखा हुआ है उसको बिल्कुल सच मान लेंगे, ठीक है। और आज का दौर, आप सभी ने एग्जाम दिए, ऐसा है कि जो किताबों में लिखा है उससे तो प्रश्न आ ही नहीं रहे, प्रश्न बन के आ रहे हैं। यूट्यूब पर दुनिया जान के इलेक्ट्रिकल के चैनल बने हुए हैं, सब आपको ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ही करवा रहे हैं। अभी ऑप्शनल क्वेश्चन दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, वही है जी हल कर रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे 15-15 घंटे की लाइव क्लासेस चल रही है। मैंने देखा, रिसर्च किया, मैं ऑनलाइन क्यों नहीं आया, कुछ कमियां थी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, लेकिन वही है कि समय के साथ आना पड़ा, मजबूरी है मेरी, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब इस चीज को देखकर मैंने महसूस किया कि आपको क्वेश्चन रटाए जा रहे हैं। एक बात है, पेपर देने जाओ कभी आप शाम को, मान लो सुबह आपने क्लास लगाई है किसी की ऑनलाइन में, कोई भी एक्स वाई जेड आपका कोचिंग सेंटर है या यूट्यूब चैनल है, वो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन हल करवा रहा है, और ऑप्शनल क्वेश्चन को हल करने के बाद में आप बताना कि घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आपको कितने प्रश्न उन्हीं ऑप्शन के साथ याद है, ठीक है ना। तो ये कमी है, ध्यान रखना। इतने ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो इंटरनेट पे हैं, तो जितने भी आपकी वैकेंसियां ले रहे हैं, ठीक है ना, जो भी कंपनी उनका पेपर तैयार करता है, उनके भी वो जद में है, ध्यान रखना, उनको भी पता है वो प्रश्न क्या है। तो वो प्रश्न आने की संभावना है आज के टाइम में बहुत ही कम है, तो इसलिए अपने प्रश्न खुद तैयार करो, थ्योरी को समझो, ना कि प्रश्न का रट्टा लगाओ, ध्यान रखना। रटी रटाई चीजें थोड़े दिन ही याद रहती है, बाद में भूल जाओगे, ध्यान रखना। पेपर के टाइम में ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, अल्लाह भाई तो आए कौन जी, गुरु जी कराया जगह, तो ये चीज हो जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको थ्योरी पता होगी तो आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो, ध्यान रखना। बाकी चर्चा करते रहेंगे इस पे। हमारा टॉपिक था धनात्मक विभव, तो पहले मैं उस बुक या किताबों के अनुसार आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवाता हूं। तो क्या चीज है धनात्मक विभव? तो लिखिए, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो विभव धनात्मक होता है। तो विभव क्या होता है? धनात्मक होता है। जब विद्युत धारा पृथ्वी की, एक संदर्भ लिया गया है, अब किसी धारा प्रवाहित करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, तो हमने किसको मान लिया भी? पृथ्वी को। और किसी ना किसी जगह से क्या आ रही है? धारा आ रही है। अब आपकी किताबों में उसको वस्तु लिखा हुआ है, तो वस्तु से पृथ्वी की ओर, पृथ्वी से वस्तु की ओर, ये क्या होता है? तो इसको भी समझेंगे कि जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही है, वस्तु से किसकी ओर? पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही है, तो विभव क्या लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो लिखिए कि ऋणात्मक विभव। कौन सा विभव? ऋणात्मक विभव। एक था धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक की बिल्कुल उल्टी परिभाषा कर दो, तो लिख लो इसके अंदर कि जब विद्युत धारा पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही हो तो विभव क्या कहलाता है? भी ऋणात्मक होता है। जब विद्युत धारा पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है तो विभव ऋणात्मक होता है। अब कन्फ्यूजन होता है, अब ये धारा पृथ्वी से जाना वस्तु की ओर, वस्तु से आना पृथ्वी की ओर, देखते हैं, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, हम यहां रह रहे हैं, और यहां कोई वस्तु यानी कि कोई बादल मान लेते हैं भी, ये क्या एक बादल सभी ने देखे होंगे, तो अब बादल से बिजली चमकी है, वो भी एक तरह से क्या है भी? वो क्या चीज है? वो भी विद्युत ही है, पोटेंशियल ही है, इसके पास भी वोल्टेज है, सब कुछ है, आगे चर्चा करेंगे, बादल बुदल अच्छी तरह बताऊंगा आपको मैं। तो ये बादल से बिजली चमकी, तो ये तो मान लेते हैं वस्तु, ये क्या है? एक वस्तु है और ये हमारी पृथ्वी है। अब दो कंडीशन रखी है आपके सामने, कितनी कंडीशन है? दो, कि या तो वस्तु से धारा जाएगी किसकी ओर? पृथ्वी की ओर। हर या धारा जाएगी पृथ्वी से किसकी ओर? वस्तु की ओर। दोनों ही कंडीशन में कौन गतिमान है? धारा करंट है, ये रही धारा इधर जा रही है, एक बारी वस्तु से पृथ्वी की ओर, एक बारी पृथ्वी से वस्तु की ओर आ रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या कंफ्यूजन है, उस चीज को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा अभी। तो देखते हैं कि क्या होता है पॉजिटिव पोटेंशियल या धनात्मक विभव। तो हमने डेफिनेशन में लिखा कि विद्युत धारा पृथ्वी की ओर, ठीक है ना। अब इसमें आपको दो चीजें थोड़ी याद रखनी होंगी, एक होता है उच्च विभव, क्या होता है?
उच्च विभव और एक होता है निम्न विभव। एक होता है उच्च विभव और एक होता है निम्न विभव, हाई पोटेंशियल और एक होता है लो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहां पर हम सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं, बाकी वास्तविकता कुछ और है। एक बात मैं पहले बता देता हूं आपको, तो एक है हाई पोटेंशियल और एक है लो पोटेंशियल। तो ये तो आ गया हाई और ये आ गया लो। तो विभव भी हाई और लो के आधार पर भी डिवाइड होते हैं। आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में पारंपरिक अवधारणा कहती है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है किसी भी चीज का, ठीक है ना, उसको मानते हैं उच्च विभव का। क्या मानते हैं? उच्च विभव का। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको मानते हैं निम्न विभव का। तो पॉजिटिव होता है हाई पोटेंशियल का और नेगेटिव होता है निम्न विभव का। एक कम रखता है विभव, एक ज्यादा, ऐसा माना गया है पुरानी इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद में। ये थ्योरी बिल्कुल उल्टी हो गई है। याद होगा आपको धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दिशा, ये मैंने पिछले टॉपिक करवाए हैं शायद, ठीक है ना। तो उस वीडियो में देखना आप कि धारा किससे किस ओर चलती है और इलेक्ट्रॉन किससे किस ओर चलती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को समझने के लिए हम कुछ मानेंगे भी। अब ये पृथ्वी वस्तु का सिस्टम थोड़ा सा मानना पड़ेगा, क्योंकि विभव एक संभावना है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आगे टॉपिकों में स्कोर बढ़िया तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं, देखो हमारे पास दो प्रकार के विभव थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक हाई और एक लो। तो एक कंडीशन लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि जो बादल है, बादल जो है ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? मानना, सिर्फ मानना है, रखे ना रखे वो एक अलग बात है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। माना बादल के पास पॉजिटिव चार्ज था, बादल हमारी वस्तु है, वस्तु के पास पॉजिटिव चार्ज था, वस्तु हमारी क्या है? पॉजिटिव। कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पे एक जनरेटर हो सकता है, अल्टरनेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने उदाहरण लिया बादल का क्योंकि मौसम में ऐसा चल रहा है, सावन चल रहा है और अपने बढ़िया बरसात हो रही है, तो बादल ही मान लेते हैं। मान लेते हैं बादल का जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। और उसी कंडीशन में अर्थ का, पृथ्वी का जो चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। मान लो वैसे तो जो पृथ्वी है उसका विभव पोटेंशियल जीरो होता है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, लेकिन माना, एक बार मानना पड़ेगा इस चीज को समझना है। तो अब विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी कि नहीं होगी, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, एक तार है, इसके इस सिरे पे पॉजिटिव, इस सिरे पर भी क्या है, पॉजिटिव सप्लाई प्रदान कर दी, क्या धारा प्रवाहित होगी? आप सभी का उत्तर सेम होना चाहिए, कुछ कहेंगे होएगी, कुछ कहेंगे नहीं होगी, या सभी कहेंगे होएगी या सभी कहेंगे नहीं होगी। अब उत्तर तीन और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, हमें पता नहीं भी, हमने आईटीआई नहीं की, कुछ ऐसे भी होंगे। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव यदि किसी के सिरों पर प्रदान की जाए, या किसी पदार्थ के दोनों सिरों पर नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनली प्रदान किया जाए, तो भी धारा प्रवाहित हो सकती है और नहीं भी हो सकती। बस यही विभव है, धारा प्रवाहित हो भी सकती है और धारा प्रवाहित नहीं भी हो सकती। तो देखते हैं अब धारा प्रवाहित कैसे हुई। हमने पॉजिटिव जो विभव था उसकी डेफिनेशन क्या ली, कि जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, विद्युत धारा किसकी ओर, पृथ्वी की, वस्तु से, बादल से किसकी, पृथ्वी की ओर, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और हमारा विभव भी क्या आ रहा है, भी पॉजिटिव। हमारा जो विभव पोटेंशियल आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। कैसे? तो पहले इसको क्लियर कर देता हूं, डाउट यहीं चल रहा है क्योंकि आपका ध्यान भटक गया, आप यहीं अटके पड़े हो, ये नहीं समझ में आएगा। अब ध्यान से देख लेना इस चीज को भी, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यदि इसका चार्ज है 10 कूलाम पॉजिटिव का, ठीक है, और इसका चार्ज भी है 10 कूलाम पॉजिटिव का, तो यहां पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझ गए? ठीक है। अब यदि यहां पर 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 5 कूलाम का है, कितने का है, 5 का, अब ये आ गया डिफरेंस। क्या आ गया? डिफरेंस। तो जो ज्यादा चार्ज रखता है वो तो पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल, और जो उसकी अपेक्षा सेम वैसा ही रख रहा है लेकिन उसके पास लो पोटेंशियल। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो चार्ज की अधिकता, चार्ज की कमी बताएगी धारा जाएगी के नहीं जाएगी। आगे आराम से समझेंगे। देखो ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आने वाले हैं और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, फिलहाल के लिए इसको यहीं रोक कर इधर आ जाते हैं। मान लेते हैं कि बादल के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो था हाई, ज्यादा था, उच्च, और पृथ्वी के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या था, निम्न था, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, पॉजिटिव,
ठीक है ना। अब जो करंट का फ्लो होगा वो वस्तु से किसकी ओर होगा, भी पृथ्वी की ओर। इस कंडीशन में आपका विभव क्या कहलाता है, भी धनात्मक विभव कहलाता है। तो ये था धनात्मक विभव, पॉजिटिव। और अब देखते हैं नेगेटिव, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, दोबारा डायग्राम बनाते हैं। ये तो ये हमारी पृथ्वी है, पहले लाल रंग की थी, अब काले रंग की होगी, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, रंग बदले जा रहे हैं। और ये हमारे बादल है, ठीक है ना। और अब की बार देखते हैं थोड़ा सा अलग करके, हमारे बादल का जो चार्ज था वो हम पहले की तरह क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। पृथ्वी का चार्ज भी पहले की तरह क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेने को आप नेगेटिव लो, कोई दिक्कत नहीं है, भी ध्यान रखना। लेकिन इससे पिछले जब हमने धनात्मक विभव समझा था, तब हाई पोटेंशियल पे किसको रखा था, उच्च पर किसको रखा था हमने, बादल को। और निम्न पर किसको, बादल को हमने वस्तु कहा था, ध्यान रखना, भूल मत जाना, कहीं आपका दिमाग इतना ही होता है, थोड़ी देर में भूल जाते हो चल क्या रहा है ये। तो कहने का मतलब है कि उच्च पोटेंशियल पिछली बार लिखा था हमने बादल को, अब की बार इसको उच्च नहीं रखना, अब इसको क्या मानेंगे हम, इसको निम्न विभव का मानेंगे। क्या मानेंगे, निम्न विभव का। पृथ्वी को पहले हमने निम्न विभव का माना था, क्या माना था, निम्न। अब इसको निम्न विभव का नहीं मानना, इसको मानना है हमने क्या, भी उच्च विभव का। क्या मानना है, उच्च विभव का। तो अब बताइए धारा किससे किस ओर जाएगी, धारा हमेशा चलती है हाई टू लो पोटेंशियल, तो धारा चलती है पृथ्वी से किसकी ओर, बादल की ओर। पृथ्वी से वस्तु की ओर धारा का प्रवाह हो गया, इस समय जो पोटेंशियल रहेगा वो होगा नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। यहां जो विभव लिया जाएगा वो ऋणात्मक विभव होगा, भी ध्यान रखना। पहले था धनात्मक विभव और अब था ऋणात्मक। और ये विभव है किसका, धनात्मक और ऋणात्मक। बात तो आई रही है कि विभव तो आ रहा है धनात्मक है ऋणात्मक, किसका है, ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो, एक वस्तु है, सॉरी एक वस्तु है, एक पृथ्वी है। तो ये किसका है, पृथ्वी का मानते हैं वस्तु का मानते हैं, तो विभव होता है वस्तु का, किसी मशीन का, किसी यंत्र का, उपकरण का, क्योंकि पृथ्वी का कोई विभव नहीं होता। पृथ्वी का विभव ध्यान रखना, क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि आपसे पूछ ले किसका विभव, भी पृथ्वी का, अर्थ का पोटेंशियल, तो अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, ध्यान रखना, कितने वोल्ट, 0 वोल्ट। और जब भी किसी की वैल्यू 0 हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर में आ जाते हैं, ये भी कुछ नहीं होते, तो 0 सिर्फ 0 होता है। तो विभव किसका है, वस्तु का, किसका, पहले वस्तु अर्थात बादल क्या था, धनात्मक, अब वस्तु क्या है, ऋणात्मक है। इसको जब आगे किरचॉफ के नियम वगैरह और कुलाम के नियम जब पढ़ाएंगे तब और चीज आएगी। एक बारी फिर से बता देता हूं, पॉजिटिव विभव क्या चीज थी, जब धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर आ रही है तो विभव होता है पॉजिटिव, और जब धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर जा रही है तब विभव होता है नेगेटिव। तो ये दो प्रकार से विभव को आप समझ सकते हो, एक पॉजिटिव विभव और एक नेगेटिव विभव। अब इसको एक अलग तरीके से समझते हैं, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखते हैं क्या है, चुंबक पढ़ी है सभी ने अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है चुंबक में। चुंबक के बारे में जानते हो, दो ध्रुव होते हैं एन और एस, समान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण के प्रतिकर्षण। तो समान ध्रुव पास पास लेके आएंगे तो क्या होगा, सभी का उत्तर सेम आना चाहिए, क्या होगा, भी प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुव यदि पास पास लेके आएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन दो प्रकार के फोर्स चुंबक पे भी लागू है, तो आवेश चार्ज पर भी लागू है, किस पे लागू है, चार्ज पर भी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को समझने के लिए अब की बार हम चार्ज लेंगे और वो ओरिजिनल डेफिनेशन के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे। तो विभव एक प्रकार से था क्या, भी डेफिनेशन में था कि किया गया कार्य, उस बिंदु का कार्य। तो विभव एक तरह से क्या है, भी कार्य है, क्या चीज है, कार्य। कार्य चलो थोड़ा सा बताते हैं, कार्य यानी कि W बराबर होता है F इंटू S, बल और विस्थापन, समझ गए, बल लगाया कोई वस्तु विस्थापित होगी तो कहते हैं कार्य हो गया, ठीक है। अब ये जो कार्य है ये किस प्रकार से हो सकता है, विभव के दौरान, विभव की डेफिनेशन में किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। कितनी कंडीशन ले ली हमने, 3 कंडीशन। अब ध्यान से देखो, भी इस डायग्राम से क्या समझे, थोड़ी देर पहले ऐसा सही कुछ बनाया था, थोड़ा सा बदलाव है, वो अनंत है, क्या है, अनंत है। इकाई आवेश को
किसको? इकाई आवेश को। इस बार इकाई आवेश में मैंने धनावेश लिया है। क्या लिया है? धनावेश। कहां पड़ा है? अनंत पर। इकाई आवेश को एक वैद्युतिक क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है, ठीक है, लाएंगे। धक्का मारा भी, क्या लगाया इस पे? फोर्स। और जैसे इस पे फोर्स लगाया, इसने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तय किया, हमने फोर्स लगाया, दूरी तय, विस्थापित हुआ, ये ऐसा हो गया, वहां से वहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचा, इस बिंदु तक पहुंचा, तो हमारा क्या संपन्न हो गया? कार्य, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो वो चुंबक वाली बात, यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को पास पास लाया जाए, पॉजिटिव चार्ज को उठा के किसके पास लाए? पॉजिटिव चार्ज के पास लाए, तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो देखो, जैसे ही हमने इस चार्ज पर एक फोर्स लगाया, क्या लगाया? अनंत वाले चार्ज पर एक क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो ये चार्ज आगे बढ़ा। क्या बढ़ा? आगे बढ़ा। और ये प्लस चार्ज के पास ही जा रहा है, वैद्युतिक क्षेत्र में तो दोनों चार्ज मौजूद होते हैं। एक बार इसको समझते हैं, तीनों से समझेंगे। एक चार्ज था पॉजिटिव, उसको अनंत पर रखा था, उस पर फोर्स लगाया, वो चला भी, वो चलते चलते एक वैद्युतिक क्षेत्र के एक अन्य आवेश तक, एक बिंदु तक पहुंच गया जहां भी आवेश था। और ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या करेगा? यहीं पड़ा रहेगा क्या? नहीं, ये खिसक के कहां निकल जाएगा? आगे चला जाएगा। समझ में आई बात? तो ये रहा बल, यहां से ये विस्थापित होना शुरू हुआ, और यहां तक जैसे ही पहुंचा, तो इसने यहां वाले चार्ज को भी आगे क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। समझ में आ रही बात? तो आपका जो वर्क हुआ, आपका जो क्या हुआ, कार्य हुआ, वो बल की दिशा में हुआ। आपका कार्य किसकी दिशा में हुआ? बल की दिशा में। तो क्या डेफिनेशन हो सकती है धनात्मक वियोग की? के जब किसी आवेश द्वारा किसी वैद्युतिक क्षेत्र पर किए गए कार्य का मान, कार्य की दिशा, सॉरी, बल की दिशा में हो, किसकी दिशा में हो? बल की दिशा में। जब किया गया कार्य बल की दिशा में हो, तो विभव धनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? धनात्मक कहलाता है। सेम ये कंडीशन इस पे, अब की बारी इकाई आवेश था, वो नेगेटिव है, वहां पॉजिटिव की जगह अब क्या लिख दो? नेगेटिव लेके वहीं आना है। यहां भी क्या पड़ा है? पॉजिटिव नहीं है, इस जगह भी नेगेटिव है, मिटो ही देते इसको, ठीक है। अब की बारी यहां पे नेगेटिव चार्ज पड़ा है, और जो आपका वैद्युतिक क्षेत्र था उसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये रहा, हमने फोर्स लगाया अभी नेगेटिव चार्ज पर, क्या लगाया? एक फोर्स। और जैसे ही ये फोर्स लगा, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आपका विस्थापित होना शुरू हो गया, यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है ना। और जैसे ही ये पहुंचा आपके इस नेगेटिव चार्ज के पास में, तो इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे चल पड़ा, भी यहां पहुंच गया। समझ आई बात? इस बार भी बल लगाया, बल लगने पर कार्य उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में बल काम कर रहा है, तो ये नेगेटिव निशान मत देखना, तो भी विभव क्या होगा? धनात्मक ही हो गया। तो डेफिनेशन है पॉजिटिव पोटेंशियल की, कि जब किए गए कार्य की दिशा लगाए गए बल की दिशा के समान हो, तो पोटेंशियल या विभव क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। अब ऋणात्मक को समझ लेते हैं, ध्यान से देखते हैं, थोड़ा फेर बदल कर लेते हैं डायग्राम में। इस बार यहां पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और जो आपके वैद्युतिक क्षेत्र का चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव। उधर भी नेगेटिव कर सकते हैं, इधर पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं है। और इस चार्ज पर क्या अप्लाई करना है? हमने फोर्स आरोपित करना है। आ जाते हैं इधर, अनंत पे एक चार्ज पड़ा था पॉजिटिव, और इस पे हमने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। जैसे ही फोर्स लगा के इस चार्ज को आगे डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया, ये रहा ऐसा आपका कार्य में, ऐसा है, विस्थापित किया, और जैसे ही ये इसके पास पहुंचेगा, उससे पहले ही ये नेगेटिव वाला इसकी ओर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। आप दो चुंबकों को लेके खेले होगे, एन एस, जैसे आप एन को एस के पास ले जाने लगते हो, इतने में ये इधर आ जाता है। यानी कि आपने बल इस दिशा में लगाया, तो आपका कार्य जो है वो इस दिशा में संपन्न हुआ। समझ में आ रही है ना बात? अब की बार जो ये चार्ज है ये उधर नहीं जाएगा, ये किधर आ जाएगा? ये इस पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा। तो हमने जो बल लगाया उसकी दिशा और संपन्न हुए कार्य की दिशा जब एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है, तब विभव क्या होता है? अभी तब विभव आपका ऋणात्मक होता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो आपका नेगेटिव पोटेंशियल आएगा।
और छोटे शब्दों में देख लो, जब दो चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो पोटेंशियल पॉजिटिव, जब दो चार्ज है नेगेटिव नेगेटिव काम कर रहे हैं तो भी पोटेंशियल पॉजिटिव, और यदि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज काम कर रहे हैं किसी क्षेत्र के अंदर तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। यूं भी समझ सकते हो, बाकी मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। वीडियो को आराम से पुश करके दो तीन बारी ये परिभाषाएं रिपीट कर करके आराम से शांत दिमाग से समझने का प्रयास करना, आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। किताबों में पूरी व्याख्या नहीं की गई है, आप लोग समझ नहीं पाए हो, समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में ना आए। वीडियो को दो तीन बारी पुश करके रिवर्स करके देख लेना आराम से, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑफलाइन में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप पूछ नहीं सकते हो तो बारी बारी उसको रिपीट करो। फिर भी ना समझ में आए आप कमेंट करके बताना मेरे को कि जी ये चीज समझ में नहीं आई, मैं कभी किसी वीडियो के अंदर आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो यहां तक हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ जिसका नाम था विभव यानी कि पोटेंशियल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका वो और भी महत्वपूर्ण है, और उस टॉपिक का नाम है विभांतर। क्या नाम है? विभांतर। तो अगला टॉपिक जो अपने करेंगे उसका नाम है विभांतर, तो हेडिंग लगा लीजिए आपकी विभांतर। इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको पीडी से भी लिखा जाता है, लेकिन ये इसका प्रतीक नहीं है, ध्यान रखना, वो अपने टॉपिक में करेंगे अध्ययन तब आपको पता लग जाएगा भी। तो क्या चीज होती है विभांतर? तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिखने से पहले एक चीज देखो, इस शब्द का संधि विच्छेद करो, हिंदी आती होगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना, इसको दो भागों में डिवाइड करें तो एक नाम बन के आता है विभव प्लस अंतर। विभव प्लस अंतर, हो सकता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी और संधि विच्छेद में, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा, ध्यान रखना, जुगाड़ से काम चला लेंगे। तो विभांतर में दो शब्द है, विभव प्लस अंतर, विभव का अंतर। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? विभव। अब पढ़ना है विभव का अंतर, तो देखते हैं क्या है विभांतर। तो लिखिए भी विभांतर की डेफिनेशन, पहले परिभाषा लिख लीजिए आराम से, फिर इसको समझेंगे, दोबारा समझेंगे। तो लिखिए विभांतर की डेफिनेशन भी कि एक वैद्युतिक परिपथ में, एक वैद्युतिक परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य विभांतर कहलाता है। किसी वैद्युतिक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य विभांतर कहलाता है। तो ये तो होगी इसकी एक डेफिनेशन, आगे अच्छी तरह समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो आगे, दूसरे शब्दों में किसी वैद्युतिक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच उपस्थित वैद्युतिक दाब, दो बिंदुओं के बीच उपस्थित वैद्युतिक दाब, दाब को भी पोटेंशियल जो होता है उसको दाब भी कहते हैं, तो यहां पे आप विभव भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ध्यान रखना। किसी वैद्युतिक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच उपस्थित वैद्युतिक दाब यानी कि विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभांतर बोलते हैं। समझ गए? लिखो आगे, इसका जो मान है, इसका मान है वो सदैव ईएमएफ से कम होता है, इसका मान सदैव ईएमएफ से कम होता है, और इसका प्रतीक जो है वो होता है वी। विभांतर का प्रतीक क्या है? वी है, और इसका मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट का प्रतीक भी क्या होता है जी? वी होता है। विभांतर को पीडी से नहीं लिखते, पीडी तो इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस है, प्रतीकात्मक रूप से प्रतीक जो प्रयुक्त किया जाता है वो वी है, मात्रक वही है जो विद्युत वाहक बल का है वोल्ट। समझ में आ गई बात? वोल्ट का प्रतीक वी होता है। अब ये क्या चीज है वी, ये क्या चीज है विभांतर? तो विभव का अंतर, सीधे शब्दों में कह सकते हो। अब ये कैसे साबित करें, कैसे समझें? तो इसके लिए आपको कुछ डायग्राम बना के समझना पड़ेगा भी। तो देखते हैं क्या चीज है विभांतर, के लिए हमें परिपथ का निर्माण करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं अभी। ये हमने एक लैंप लिया, ये एक सर्किट लिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक बैटरी ले ली, इस प्रकार से हमने परिपथ का एक निर्माण कर लिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ से ईएमएफ भी हो जाएगा, यहाँ से विभव भी देख लेंगे और यहाँ से विभांतर भी देख लेंगे, तीनों ही चीज़ें देख लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं इसको, ठीक है, उन चीज़ों को एक बार फिर से देखेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 वोल्ट का ईएमएफ है, 10 वोल्ट का क्या है? ईएमएफ है।
कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। एक बार माना ईएमएफ देखना था इसलिए। अब ये 10 वोल्ट का ईएमएफ नहीं है, ये 10 वोल्ट का विभव है, क्योंकि विभव का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट। तो ये विभव भी कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है, 10 का। अब ये विभव जो है ये इस परिपथ में प्रवाहित होगा, दाब, विभव को दाब कहते हैं, प्रेशर लगेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, तो दाब धक्का। तो बैटरी ने यहां से फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स जब जनरेट हुआ तो इसने इस प्रकार से परिपथ को पूर्ण करने का प्रयास किया, या परिपथ पूर्ण हो गया। तो ध्यान से देखो भाई, आपकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, किसी वैद्युतिक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, किसके बीच, दो बिंदु। अब वो दो बिंदु कौन से होंगे ये भी चूज करना थोड़ा महत्वपूर्ण है भी। तो ध्यान से देखते हैं वो दो बिंदु हमारे कौन से हैं भी। अब वो दो बिंदु इंडिकेशन देता हूं मैं, क्या ये वो दो बिंदु होंगे, क्या ये वो दो बिंदु होंगे, क्या ये और ये दो बिंदु होंगे, नहीं पता लग रहा, बिंदु तो बहुत बन जाते हैं, क्या यहां और यहां इनके मध्य दो बिंदु होंगे। अब नहीं समझ रहे तो ये क्या ये वो दो बिंदु है, क्या ये वो दो बिंदु है जिनके बीच हमने विभांतर देखना है, क्या ये वो दो बिंदु है जिनके बीच हमने विभांतर देखना है, क्या ये और ये वो बिंदु है जिनके बीच हमने विभांतर देखना है। सब समझ में आएगा आराम से, देखते हैं। 10 वोल्ट की वोल्टेज हमने आरोपित की, ईएमएफ हमने आरोपित किया, 10 वोल्ट का विभव हमने आरोपित किया, 10 वोल्ट का धक्का हमने मारा। वो यहां से चल के यहां तक जब पहुंचा, यहां से चलकर 10 वोल्ट का इस पूरे रास्ते के अंदर से होके यहां पहुंचा, तो उसके मान में गिरावट आई क्या, कोई बाधा आई रास्ते में, नहीं आई। तो यहां तक वो कितना पहुंचा भी, 10। तो ये दो बिंदुओं के बीच में कोई अंतर आया, यहां भी 10 था, यहां भी 10, यहां भी 10, तो कोई अंतर नहीं है, तो ये वो दो बिंदु नहीं है। समझ गए, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां तक पहुंच गया भी, कहां तक, इस बिंदु तक पहुंच गया, वैल्यू कितनी थी, 10। और जब आगे बढ़ने लगा तो रास्ते में आ गई एक बाधा, लैंप है लेकिन मैं मानूंगा इसको बाधा। बाधा यानी कि लैंप, लैंप का होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रोकना, रोकना मतलब रुकावट, रुकावट का पर्यायवाची बाधा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां से जब ये बाधा आ गई, 10 वोल्ट का धक्का आया, इसके अंदर से जब ये बाधा के अंदर से जब ये विभव गुजरने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, तो इसके अंदर से सारा का सारा गुजर नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात, ये पूरा का पूरा इसके अंदर से कुछ गुजर नहीं पाएगा, कुछ हिस्सा इस बाधा के कारण नष्ट हो जाएगा, वो यहीं रुक जाएगा, और आगे जो इस बिंदु तक पहुंचेगा वो 10 नहीं पहुंचेगा, मान लेते हैं वो पहुंचा कितना, 6। कितना पहुंचा, 6। जो विभव, जो बल, जो दाब आरोपित किया था वो इस बिंदु तक तो 10 था, लेकिन जैसे ही बाधा के अंदर से, लैंप के अंदर से निकला, तो लैंप ने उसका विरोध किया, रोका उसको, और वो पूरा नहीं पहुंच पाया, आगे पहुंचा कितना, 6, ठीक है ना। अब यहां से 6 चला, इस बिंदु पर भी कितना पहुंचा, 6, इस बिंदु पर भी कितना पहुंचा, 6, इस बिंदु पर भी कितना पहुंचा, 6। तो ये भी वो बिंदु नहीं है। अब वो दो बिंदु कहाँ है, जहां विभांतर उपस्थित है, जहां विभव में क्या आ गया अंतर। तो ध्यान से देखो भी, यहां पर कितना है, इस जगह पर 10, इस पर कितना, 6। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर, यहां पे कितना है, 10, यहां कितना है, 6, इन दोनों के बीच का अंतर। यहां पे कितना, 10, यहां, चलो यहां कितना, 10, यहां कितना, 6, इन दोनों के बीच का अंतर। समझ गए, इतना कंफ्यूजन न करते हुए हम इन दोनों के बीच का अंतर लेते हैं। तो यहां कहीं मौजूद है क्या, विभांतर, क्या मौजूद है, विभांतर, विभव का अंतर। अब विभांतर है कितना, डिफरेंस कितना आ गया, पहले कितना था अब कितना मिला, दोनों का अंतर। अंतर कब मिलता है, जब बड़ी राशि में से क्या घटा देते हैं, छोटी, तो डिफरेंस कितना आया, 4। तो विभव का अंतर कितना आया आपका, 4। ये 4 क्या है, ये विभांतर भी है, ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप भी है, वोल्टा पतन आगे काम में लेंगे, लेकिन फिलहाल के टॉपिक में ये विभव का अंतर यानी कि विभांतर है। तो डेफिनेशन क्या थी दूसरे वाली, किसी वैद्युतिक परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभांतर कहलाता है। तो कोई भी दो बिंदु देख लो इसके बीच में, जहां अंतर है उसी जगह पर क्या मौजूद है, विभांतर मौजूद है। अब यहां थोड़ा सा डाउट,
यहां कितना है इस पॉइंट पर? 10। इस पॉइंट पर कितना है? अगर ये ऊपर वाला सर्किट ना हो तो इस पॉइंट पर कितना है? यहां भी आप क्या कहोगे? 10 के 6। इस पॉइंट पर कितना पहुंचा? 6। इन दोनों के बीच में जब वोल्टेज नापेंगे तब क्या आएगी? यहां जो डाउट आपके उत्पन्न होता है वो हमारा आगे क्लियर होगा। समझ में आ रही बात? तब डाउट क्लियर होगा ईएमएफ और विभांतर का। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। दोनों चीजें क्या है? अलग अलग है। डिपेंड करता है परिपथ किस अवस्था में है, परिपथ किस अवस्था में है, क्योंकि परिपथ की खूब सारी अवस्थाएं होती है। आगे पढ़ेंगे, खूब सारी नहीं, ज्यादा नहीं है, याद होना चाहिए आपको। कितनी होती है? 4। वो पढ़ेंगे, आगे ओम का नियम पढ़ेंगे तो विभांतर फिर से आएगा और फिर ये समझाऊंगा, लेकिन तब हमारी थ्योरी मजबूत हो जाएगी। उस समय आपको ये जल्दी पकड़ में आएगा। ये टॉपिक यदि इस समय क्लियर हो जाए तब आगे बहुत ही आसान हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार जितना पढ़ाया उस पर फोकस करो। ये एक्स्ट्रा चीजें जो मैं बता रहा हूं सिर्फ याद देख लो, इनको याद रखना। और अगर मैं भूल जाऊं बाय चांस करवाना वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आगे आएगी, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना भी कि आपने उस समय ये कहा था और आप करवाना भूल गए, तो मैं करवा दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये चीज है। तो ये था आपका एक टॉपिक जिसका नाम था विभांतर। अब इसका मात्रक वोल्ट कैसे आया? अभी इसका जो मात्रक था वो वोल्ट के आधार पर आया है। वी इसका प्रतीक था, वोल्ट के आधार पे मात्रक आ गया। तो इसको थोड़ा अलग उदाहरण से समझते हैं। तो आप लोग बाजार गए और आप एक बड़ा सारा आलू लेके आए, भी मिल गया है क्या पता, कोई बिरले ही पैदा होते हैं ऐसे। एक बड़ा सारा आलू लेके आए, ये आलू पूरे के पूरा 1 किलो का था। कितने किलो का था? 1 किलो का। 1 किलो का क्या था? आलू था। लेकिन जब घर पे लेके आए इसको और आपने इसको जब काट के सब्जी बनाने की कोशिश की, कोशिश ही करते हो, कभी कभी सही बनती है कभी नहीं बनती, तो इसको काटा आपने तो इसके अंदर लगभग लगभग 200 ग्राम का, ठीक है ना, हिस्सा गड़ा हुआ खराब निकल गया। 200 ग्राम का हिस्सा जो था वो क्या निकल गया? वो खराब निकल गया, गल गया, कीड़े लगे हुए थे, यानी कि वो सब्जी बनाने के लायक नहीं था। अब जो कमरे कमरे में रहते हैं वो गड़ा फड़ा खा लेते हैं, क्या पता क्या कौन देखा है, आपा नहीं खाना है। तो काट के इसको निकाला तो 200 ग्राम का निकल गया, बचा कितना आपके पास? 800 ग्राम। कितने ग्राम? 800 ग्राम। ये 1 किलो क्या था अभी? आलू। 200 ग्राम खराब निकला कौन? आलू। बचा क्या 800 ग्राम? आलू। समझ गए? 10 क्या थी भी? वोल्ट। 6 क्या है भी? वोल्ट। बचा कितना? 4 क्या है भी? वोल्ट। समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, समझ के ज्यादा समझदार हो गए हो आप, धीरे धीरे और ज्ञान बढ़ता जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये वो टॉपिक था, इसका नाम था विभांतर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक अभी लगाना पड़ेगा, इस टॉपिक को खत्म करेंगे अपने। वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन टॉपिक पूरा होना जरूरी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक हेडिंग लगाइए, विद्युत वाहक बल और विभांतर में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक आपका विद्युत वाहक बल और विभांतर में अंतर। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट है, विभांतर का मात्रक भी वोल्ट है, तो दोनों का मात्रक वोल्ट है, तो इनको अलग अलग कैसे करें भाई? विभव तो चलो अलग हो गया था, वो इकाई आवे इसको इधर उधर लेके जा रहे थे, लेकिन ये तो दोनों सेम से ही लग रहे हैं। अब इनको अलग अलग कैसे करें? तो इनको अलग अलग करने के लिए इनमें अंतर का प्रभेद करना बहुत ही जरूरी है। तो हेडिंग आपने लगा ली होगी मेरे ख्याल से, तो लिखो भाई। तो क्या होता है इनमें अंतर? तो लिखो, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में धारा प्रवाह का मान शून्य होने पर, किसका मान? धारा प्रवाह का मान शून्य होने पर परिपथ के विभांतर का मान भी शून्य हो जाता है। विभांतर का मान भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेकिन विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो,
ये जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी परिपथ में धारा प्रवाह का मान शून्य हो जाने पर विभांतर का मान भी शून्य हो जाता है, लेकिन विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये इन दोनों में क्या है भी अंतर है, ठीक है ना। तो देखते हैं ये अंतर कैसे स्पष्ट कर सकते हैं अपने। तो इसके लिए फिर से हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा। अभी वापस वही सर्किट ले लेते हैं। ये हमारा लैंप है। अब ज़्यादा पैसे है नहीं भी, लॉकडाउन लग गया, सारे लग गए पैसे पूसे, तो क्या करें, सस्ता सा परिपथ बना लेते हैं एक। तो एक लैंप ले लिया, ये आपका वही बैटरी थी, पड़ी थी पुरानी, उठा के लगा दी मैंने भी। अब यहाँ पे वही हमारे 10 वोल्ट ही पड़े हैं अभी तक, ना घटे ना बढ़े। तो 10 वोल्ट का वोल्टेज भी भांतर या ईएमएफ हमने आरोपित किया, ईएमएफ आरोपित किया। तो यहाँ तक 10 पहुँचा था, इन दो बिंदुओं के बीच में इसने 4 वोल्ट खा लिया था, यहाँ 10 वोल्ट था और यहाँ पे 6 वोल्ट, कुछ ऐसा सा डायग्राम था, ठीक है ना। ये सारी कंडीशन कब लागू हुई, जब इस परिपथ में से क्या जा रही थी, धारा आई। परिपथ जब पूर्ण होता है, परिपथ की कितनी अवस्थाएं, 4, उनमें कुछ अवस्थाएं हैं, आगे बढ़ेंगे चारों अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो अब इसके अंदर जब तक धारा प्रवाहित हो रही थी, चाहे 1 एम्पीयर हो रही हो, चाहे 2 एम्पीयर, चाहे 5 एम्पीयर, ये जो अंतर आ रहा है ना, ये 10, 6, 4 का, ये जहां जहां भी डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये तब उपस्थित है जब परिपथ में से क्या जा रही है, अभी क्या जा रही है परिपथ में से, धारा जा रही है। तो विभांतर की उपस्थिति किसके साथ है, धारा के साथ है। अब यदि धारा का मान क्या हो जाए, शून्य, कब हो जाए, मान लेते हैं ये लैंप लगा ही नहीं हुआ, ये लैंप लगा ही नहीं हुआ, तो क्या अभी भी यहां पे 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और ये 10 वोल्ट मौजूद रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। तो किसी परिपथ में यदि धारा का मान शून्य हो जाए तो उस परिपथ के विभांतर का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन यहां ये 10 वोल्ट क्या शून्य हो जाएगी क्या, नहीं होगी। तो ये 10 वोल्ट पहले क्या था, अब भी क्या है, ईएमएफ ही है। ईएमएफ शून्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसको यदि ध्यान से देखोगे तो आपको ओम जी नजर आएंगे। कौन दिखेंगे, ओम जी। हाँ, हमारे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने महत्वपूर्ण नियम दिया, क्या कहा था, वी समानुपाती आई। कहीं कहेंगे जी क्या आई समानुपाती वी होता है या वी समानुपाती, आएगा ओम का नियम करवाऊंगा, सब्र करो थोड़ा, ठीक है ना। हाँ, तो वी समानुपाती आई मतलब धारा 0 तो विभांतर भी 0। यहां से समझ लो, चाहे आगे और समझ लेना, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये था आपका विभांतर। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।